रहे हैं ये मारुति सुजुकी सिलेरियो कार का जो गियर है और ये हैंड ब्रेक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी नॉर्मल कार होता है, जो नॉर्मल कार में ये गियर होते हैं, ये गियर देख रहे हैं, नॉर्मल कार में गियर होता है, आप जब भी गाड़ी को खड़े करके रखते हैं और आप ये हैंड ब्रेक दे देते हैं और ये गियर थोड़ा सा दे के रखते हैं ताकि गाड़ी अच्छी तरह से पार्किंग हो सके, आगे पीछे ना जाए। इस गाड़ी में ये है ऑटोमेटिक सिलेरियो, जो मारुति सुजुकी सिलेरियो कार है। मैं आपको आज दिखाऊंगा कि अगर कोई ऑटोमेटिक कार है ये बिना पेड ब्रेक दबाए यदि हम गियर को दे के गाड़ी को खड़ा करें, क्या ये गाड़ी खड़ा हो पाएगा। इसका गियर काम करता है जो पार्किंग में हम नॉर्मल गाड़ी में करते हैं। नॉर्मल गाड़ी में गियर लगाने से भी पार्किंग के समय गाड़ी आगे पीछे नहीं होता। और क्या ये जो ऑटोमेटिक गियर होते हैं ये गियर लगा देने से क्या गाड़ी आगे पीछे होगा। देखिए मैं अभी गाड़ी को ऑफ रखा हूँ और मैं ये जो हैंड ब्रेक है, देखिए मैं हैंड ब्रेक को भी नीचे रखा हूँ और यह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं ये गियर दे दिया। गियर देने के बाद मैं आप गाड़ी को आगे धकेलूँगा। देखिए ये गाड़ी देखिए बहुत बहुत ही आगे जा रहा है, ये आगे आगे जा रहा है। देखिए किस तरह से, यानी कि ये जो ऑटोमेटिक कार होते हैं इसका जो ऑटोमेटिक गियर होता है और ये गियर लगाने से गाड़ी खड़े होने के वक्त आप जब भी भूल जाएंगे इस तरह के हैंड ब्रेक और ये गियर में होते हुए भी ये ऑटोमेटिक जो कार होते हैं इसका गियर देने पर भी ये गाड़ी पार्किंग में काम नहीं करता। ये गियर देने से भी गाड़ी बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता, आगे पीछे हो सकता है या ढलान पर रखे हैं तो गाड़ी जा सकता है आगे। ये गियर काम नहीं करता, गियर सिर्फ काम करता है यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जब भी गाड़ी स्टार्ट होगा तब भी ये गाड़ी का गियर काम करता है, वरना इंजन बंद होने में गाड़ी खड़े होने के पार्किंग के होने पर ये गियर काम नहीं करता, सिर्फ ये जो हैंड ब्रेक होते हैं ये सिर्फ काम करता है। यानी कि आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि आपके ऑटोमेटिक कार जो होते हैं आपको हमेशा से कहीं भी आप गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं, ढलान हो या ऊंची जगह हो, आप अच्छी तरह से ये हैंड ब्रेक अच्छी तरह से आपको दे देना है, यहाँ से दे के चेक कर लेना है अच्छी तरह से हुआ है कि नहीं। और इसका बहुत ज़्यादा ढलान हो तो गाड़ी के नीचे भी टायर के नीचे कुछ पत्थर वगैरह दे के रख सकते हैं। ये ऑटोमेटिक कार गियर काम नहीं करता ढलान में, सिर्फ हैंड ब्रेक काम करता है, ये आज पता चला। और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। मैंने कंपैरिजन करके बताया जो नॉर्मल कार और ऑटोमेटिक कार होते हैं इसमें गियर देने से पार्किंग होता है या नहीं होता है। जो नॉर्मल कार होते हैं और नॉर्मल कार और ऑटोमेटिक गियर में ये फ़र्क होता है, जो पार्किंग के समय गियर काम नहीं करता ये ऑटोमेटिक कार, और साधारण जो जनरल कार होते हैं गियर पार्किंग के वक्त काम करता है। ये मैंने आपको टेस्टिंग करके बताया और ये हमेशा से याद रखें, जब भी आप गाड़ी खड़ी करें ऑटोमेटिक कार को आप हमेशा से हैंड ब्रेक का ध्यान रखें। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।